हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम आपको अपडेट लेकर आए हैं हिमालयन यूनिवर्सिटी के बारे में। माय फ्रेंड्स, हमसे बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि हम आपको हिमालयन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के बारे में कुछ बताएँ। तो माई फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, पहले हिमालयन यूनिवर्सिटी एक सिर्फ रेगुलर मोड की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और माई फ्रेंड्स, इसके पास में डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल आया 2020 में, और 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23 का इसका जो अप्रूवल था वो चला। लेकिन 2021 में यानी कि 21 से 22 सेशन के अंदर यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस का अप्रूवल है वो कंटिन्यू नहीं हुआ। और इस यूनिवर्सिटी को जो डिस्टेंस करवाने का की परमिशन जो मिली थी जो 2020-21 सेशन की, वो कौन कौन से कोर्सेज की मिली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बने रहिए हमारे साथ में। इसको जो परमिशन मिली है वो है बीए की, बीकॉम की, एमकॉम की और एमए के दो कोर्सेज हैं, एमए इन इंग्लिश और एमए इन हिस्ट्री। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी को किसी और कोर्स को करवाने का अप्रूवल डिस्टेंस लर्निंग में नहीं मिला। ये मैंने आपको बताया है सिर्फ 2020-21 सेशन का। 2020-21 सेशन के बाद में यानी कि 20-21 सेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है बीए में, तो 20-21, 21-22, 22-23, 23 तक यूनिवर्सिटी इस कोर्स को कंप्लीट करवा देगी, और जो 2 साल के कोर्स हैं वो 2 साल में कंप्लीट करवा देगी। बट यूनिवर्सिटी 2021 का अप्रूवल जैसे नहीं मिला यूनिवर्सिटी को, 21 से 22 सेशन का नहीं अप्रूवल नहीं मिला है, तो यूनिवर्सिटी 21 में फ्रेश एडमिशन नहीं ले पाएगी। 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23 ये सेशन करवाकर यूनिवर्सिटी को अपने एडमिशन क्लोज करने पड़ेंगे। अब जो पुराने एडमिशन लगे थे 2020 से 21, उनके एडमिशन के एग्ज़ाम्स जो है उन हो चुके होंगे, और 21 से 22 के एग्ज़ाम अब सेकेंड ईयर के होने हैं। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बोलता है कि हिमालयन यूनिवर्सिटी में वो आपको अभी करंट सेशन के अंदर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर करवा देता है, तो अप्रूवल नहीं है। ध्यान रखें, इस यूनिवर्सिटी के पास जो डिस्टेंस का अप्रूवल है 2020-21 सेशन का था, 21-22 सेशन का फ्रेश एडमिशन का अप्रूवल इसके पास में नहीं है। जो इसके पुराने एडमिशन थे सिर्फ उन्हीं की री रजिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी निकाल रही है। तो माय फ्रेंड्स, वैसे यूनिवर्सिटी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप एडमिशन इसके अंदर करंट सेशन में नहीं ले सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।